जेएसवीएम मेडिकल कॉलेज के कई विभागों में शोध का कार्य किया जा रहा है ताकि लोगों का बेहतर इलाज करने में मदद मिल सके। जहां अगस्त से ही स्टेम सेल थेरेपी हो रही है जिसकी वजह से तमाम मरीजों के विभिन्न बीमारियों का इलाज हुआ है। किस विभाग में शोध हो रहे हैं, क्या कुछ नए शोध हो रहे हैं? देखिए, शोध तो हमारे यहाँ पे लगभग हर विभाग में हो रहे हैं और हम लोगों ने हमारे यहाँ पे प्रदेश में गिने चुने मेडिकल कॉलेज जो में सही है जहाँ पे मेडिकल रिसर्च यूनिट है और इसमें शीघ्र ही हमारे पास में नए उपकरण भी आने वाले हैं जैसे फ्लो साइटोमीटर इत्यादि। लेकिन हम लोगों ने जो अभी कर रहे हैं इस पे स्टेम सेल पे, हमारे यहाँ पे ये प्रदेश का पहला कॉलेज है जहाँ पे मेडिकल कॉलेज जहाँ पे स्टेम सेल पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छा कार्य शुरू कर दिया है और अगस्त में हम लोगों ने स्टेम सेल थेरेपी स्टार्ट की थी और अब तक हम लोग 110 केस कर चुके हैं विभिन्न बीमारियों में, न्यूरोलॉजिकल डिजीज में एवं अन डिजीज में। और उसके अलावा हम लोग यहाँ पे अभी एक कॉर्निया बैंक भी स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, जिसके लिए हमारे जो कमिश्नर महोदय हैं श्री राजशेखर जी, उन्होंने स्मार्ट सिटी के तहत हम लोगों को ग्रांट भी प्रोवाइड कराई है ताकि जो हमारे यहाँ पे डोनेशन होते हैं कॉर्निया डोनेशन, उनको कॉर्नियास उनको प्रिजर्व किया जा सके और आवश्यकता पड़ने पे जो रिसिपिएंट है उसको बुलाया जा सके। सर, आंखों की ही और बच्चों की दोनों में कुछ नए शोध हो रहे हैं ऐसी सूचना है? देखिए, आंखों के लिए हम लोग एक आरोपी हम लोगों ने जो रेटिनल डैमेज ऑफ प्रीमेच्योर ओरिजिन, यानी जो बच्चे पहले समय से पहले पैदा हो जाते हैं उनमें ऑक्सीजन चलती है तो उनके जो आंखें हैं उनकी पुतली जो आंखें की पुतली के पीछे का भाग है जिसे रेटिना कहते हैं वो डैमेज हो जाता है। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे शीघ्र ही एक कंपनी के साथ में एक एनजीओ के साथ में हमारा करार हुआ है तो जल्दी ही यहाँ पे लेज़र मशीन हमारे यहाँ उपलब्ध हो जाएंगी ताकि ऐसे बच्चे जो जिनकी हम अंधता बचा सकते हैं तो ये हम उनको अंधेपन से बचाएंगे लेज़र के माध्यम से। और दूसरा जो हमारे यहाँ पे एक हम लोगों ने जो जिसको पेटेंट करने के लिए WHO को भी लिखा है, एक स्पेशल टाइप की डाइट है बच्चों के लिए क्योंकि अक्सर जो गांव या छोटी जगहों पे बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं जिससे आराम से बचा जा सकता है ज़्यादा कुछ खर्चा किए हुए, ज़्यादा महंगी दवाइयाँ लिए हुए। उसके लिए हम लोगों ने एक डाइट बनाई है, स्पेशल डाइट बनाई है जिसका नाम है अमृत डाइट और उस डाइट को हमने पेटेंट के लिए हमारे जो विभाग अध्यक्ष हैं डॉक्टर जीत राव है उन्होंने अप्लाई भी किया है इसमें इंटरनेशनल बॉडी के लिए। सर, और कुछ खास नया हो रहा? नया देखिए, हमारे यहाँ पे अभी जैसे आपको पता है कि 3.5 करोड़ के उपकरण हमको पावर ग्रिड के द्वारा डोनेशन में मिले हैं जिसमें बहुत हाई एंड वेंटिलेटर्स और हाई एंडेड बेड्स भी हैं जिसमें 7 फंक्शन बेड हैं, यूनिवर्सल वेंटिलेटर्स हैं। इससे अब हम ज़्यादा कैपेसिटी में बच्चों को ट्रीट कर पा रहे हैं। पूर्व में ये होता था कि हमारे जो